ये यूनियन होम मिनिस्टर के फंक्शन में जाने के रूट का नक्शा है। हम में से चाहे जितने शहीद हो जाएं, लेकिन वो बचना नहीं चाहिए। ये खान साहब का हुक्म है। को पनाह देती है। चल बाहर, चल। कुत्ते, तेरी ये हिम्मत, तूने मुझ पे हाथ उठाया? तू जानता है कि मैं कौन हूँ? तेरे पूरे मुल्क की नींद हराम करने वाले असलम खान की बीवी हूँ मैं। साली, हरामजादी, तेरे पति असलम खान को बाहर लाने के लिए ही तुझे पकड़ा है। पीछे हटो, कोई आगे मत बढ़ना, सब पीछे हटो। भाज, टेक केयर ऑफ देम। क्या असलम खान आएगा? वो जरूर आएंगे, और उनके आते ही तुम्हारे बीवी बच्चे लावारिस हो जाएंगे। साली, ओके सर। ओ माय गॉड, ये तो हमारा आदमी है। ये असलम खान आम आदमी नहीं है, तुम्हारे मुल्क की कयामत है। कुछ नहीं हुआ और होगा भी नहीं। चलो पियो। फौजियों ने क्या किया? कुछ नहीं किया। मारा उन्होंने? नहीं, नहीं मारा। पूरी रात काफिरों के साथ मौज किया। तेरे गले में ये ताबीज निकाह की निशानी नहीं है। तू अगर पुलिस में फंसे या आर्मी वाले कभी तुझे पकड़े तो मरने के लिए साइनाइड है ये, लेकिन नहीं मरी और अपने शौहर की मौत देखने चली आई। हाँ, हिंदुस्तान के एक शहर में मेरी बीवियां हैं। जानती है क्यों? बिस्तर सजाने के लिए नहीं, बल्कि मेरे आदमी को पनाह देने के लिए, और उसी के लिए लाखों लाखों रुपए दिया करता हूँ। उसके बावजूद तू बिक गई। नहीं, मैंने बिकी। ये देख, ये सारे रुपये तेरे घर से मिले हैं। चाहता तो मैं तुझे छोड़ के भी जा सकता था, पर नहीं किया। जानती है क्यों? क्योंकि मैं कोई कायर नहीं, मर्द हूं ये साबित करने के लिए। खान साहब वजीर आजम आए हैं। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। तशरीफ लाइए वजीर आजम, आइए। शुक्रिया, आइए। जनाब, आज मेरे घर में इफ्तार है। इफ्तार? मेरे बारे में जानकर भी आप मुझे बुला रहे हैं? बेइज्जत होकर अपने ही मुल्क में मैं सर उठा के जी नहीं पा रहा हूं। इसका जिम्मेदार वो है जिसने हिंदुस्तान में मेरी बेइज्जती की, कर्नल अर्जुन सिंह राठौर। उसे पकड़ना है और टुकड़े टुकड़े करना है। तभी तभी होगा मेरा रमजान। कौन जाने वो जिंदा भी है या मर गया। वो मर नहीं सकता, मेरे हाथों मरने के लिए वो कहीं ना कहीं जरूर जिंदा है। आशीर्वाद से ही हमारी शादी हुई थी। मेरे सुहाग की रक्षा करना। कल रात से वो कहीं गए हुए हैं, न जाने वो कहाँ हैं। उन्हें मेरे पास सही सलामत लाना भगवान। बेटी ज्योति, मुझसे बात मत करो। ऐसी मुझसे क्या गलती हो गई है? मुझे बताए बिना तुम कहाँ चले गए थे? मुझे रोना आ रहा था। तुम्हारी आंखों में धूल गिरा तो मेरी आंखों से आंसू निकलते हैं। ऐसे में तुम्हारी आंखों में आंसू देख के मैं चुप कैसे रहता, इसीलिए गायब हो गया था। ये देखो तुम्हारा फ्रेंड। चोर कहीं के मुझे बताए बिना कहाँ चले गए थे? डैडी, ये कहाँ मिला? वो चील इसे उठा के काली पहाड़ी की चोटी पे ले गई थी। बाप रे, मेरे लिए आप इतने ऊपर चढ़ गए थे? ये क्या बेटी, तुम्हारे लिए तो मैं आसमान से चांद सितारे तोड़ के ला सकता हूँ, क्योंकि तुम ही तो मेरी सब कुछ हो। अब मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे ना? नहीं जाऊंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। देखा लक्ष्मी, दामाद जी को अपनी बिटिया से कितना प्यार है। बिटिया से ही नहीं, अपनी पत्नी से भी बेहद प्यार करते हैं। ऐसा दामाद मिलना हमारी खुशनसीबी है। तारीफ बंद कीजिए, रात से मैं कितनी टेंशन में हूँ आप लोग नहीं जानते। क्यों परेशान हो रही है बेटी, सही सलामत लौटा है ना? मेरी परेशानी आप क्या जानो, पल भर के लिए भी वो आंखों के सामने ना हो तो उन्हें कुछ हो तो नहीं गया सोच के। उसे कुछ हुआ तो नहीं ना बेटी? जो वो भूल गया उसे तुम याद करके परेशान क्यों होती हो? सात साल पहले हमारे साथ जो हुआ वो भूल गई क्या? देखते क्या हो, तुम्हारे छुपाने से भी वो बात नहीं छुपेगी। आपको याद आया? अरे वाह, शादी का दिन भी कोई भूल सकता है क्या? हर साल की तरह मैं अपने हाथों से तुम्हारे तेल मल के तुम्हें स्नान कराता हूँ। चलो। कोई जरूरत नहीं। चंपा आई दीदी जी। बाप रे, तुम्हारी अदा से लगता है नाराजगी सर के ऊपर चढ़ गई है। फूलों का गुलदस्ता ऐसे तोड़ रही हो जैसे गुस्सा सातवें आसमान पे चढ़ गया हो। हाँ, अब आपकी शादी की सालगिरह बेकार। अगर गुस्सा और रूठना औरत के सर पे चढ़ गया तो मर्द को उस दिन भूखा ही सोना पड़ेगा। मैं कभी भूखा नहीं सोऊंगा। अपना खास मंत्र बोलूंगा तो सब कुछ भूलकर सुहागरात की दुल्हन की तरह खिंची चली आएगी। हाय दैया, वो कौन सा मंत्र है बाबूजी? ऐसा लकड़ी। बीबी जी, ये ऐसा लकड़ी क्या होता है? ये तुझे किसने बताया? किसी ने भी बताया हो, आप मेरे कान में फूंक दीजिए, मैं मेरे मर्द के मुँह में डाल दूंगी ताकि वो कुछ लायक बने। ये हर कोई नहीं कर सकता, जो जादू जानता है वही कर सकता है। आज उनका जादू नहीं चलने वाला। हाँ, जरा बता दीजिए ना। गर्दन से शुरू होकर धीरे धीरे दोनों अंगूठे रीढ़ की हड्डी की से नीचे उतरती है, तब शुरू होता है मन में हलचल। बाप रे, बोलते ही मंत्र काम करने लगा तुझ पे। उसके बाद कंधों पर से हाथ धीरे धीरे कमर तक पहुंच जाता है और एक झटका देता है तो मन में तूफान उठने लगता है। कमर पर से हथेली को आगे बढ़ाकर दोनों उंगलियां मोड़कर बीचों बीच घुमा देता है। वो तूफान तीव्र होकर आंधी बन जाता है, तब मन से निकलता है वो मंत्र। कभी दूर न होंगे हम, अंजाम क्या इनाम क्या, हर इश्क करेंगे हम। दिल का ये बोरा प्यार से था, कुछ कुछ अनजाना। दिल पर तुम जो मेरी हो, फिर क्यों शर्माना। ये नाम क्या, हर इश्क करेंगे हम। सनम भर दूं यही खुशी अपनी, वो हम तुम मिले दो दिल के लिए कभी होंगे जुदा ना हम। अंजाम क्या ये नाम क्या, हर इश्क करेंगे हम। तो ये क्या शर्म भला, नैन से नैन को जोड़ जरा। इश्क का यहाँ खिलखिला रहे हैं गुलशन, ऐसा है गुमान ख्वाहिशों के चिलमनों से हर सुबह है दुखी। वो हम तुम मिले दो दिल के लिए कभी होंगे जुदा ना क्या इनाम क्या, अरे इश्क करेंगे हम। दिल का ये बोला प्यार से था, कुछ कुछ अनजाना। दिल पर तुम जो मेरी हो फिर क्यों शर्माना। ज्योति ये खिलौना देखो। अपने आप को संभालो सरदार जी, मैं हूँ। डॉक्टर साहब मैंने सांस लेने विच वड्डी तकलीफ होंदी पई है, साडे पेट विच जलन होंदी है। ये पंजाबी में क्या बोल रहा है समझ में नहीं आ रहा है। तुसी साडी जान बचा लो डॉक्टर। अरे पापा जी तुहानू की होया? डॉक्टर साहब तुहानू दवा दे देवांगे, तुसी फिकर करन दे कोई लोड नहीं है। तुहानू कुछ नहीं होगा, असी तुहानू बचान लेंगे। दसो की होया सी, दसो की होया सी। राती जदों मैं एक होटल च खाना खाता ता पेट जलन ते उल्टी आउन लगी। रात को इन्होंने किसी ढाबे पे खाना खाया है, तब से इनके पेट में दर्द और उल्टी होनी शुरू हो गई है। बेटी इंदिरा 10 मिनट बाद इन्हें टैबलेट दे दें। जी बाबू जी। बाबू जी। हाँ बेटे। यहाँ कोई भी नहीं समझ पाया वो पंजाबी भाषा, मैं कैसे बोल पाया। वो सुना है तुम्हारे बचपन में तुम्हारे घर पे एक पंजाबी नौकर था, उसे तुम पंजाबी में ही बात करते थे। लगता है तुम अभी तक वो भूले नहीं। क्या बात है, खाना खाए बिना यहाँ के क्यों बैठे हैं? इतनी बार पूछने पर भी तुम लोग कुछ नहीं बताओगे तो पता कैसे चलेगा। जितना भी सोचो लेकिन तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है। लगता है तुम मेरे बारे में मुझसे कुछ छुपा रहे हो। इसमें इतना सोचने की क्या जरूरत है? अपने बारे में जानने की क्या मुझे कोई जरूरत नहीं है? इसमें जानने की क्या बात है? आप मेरे पति हैं, छुटके के पिता हैं, मेरे माँ बाप के दामाद हैं और इस बस्ती के छोटे मुखिया। अगर मैं यहाँ पला बड़ा हुआ हूँ तो यहाँ के वातावरण और बचपन की बातें मुझे याद होनी चाहिए ना। जान से बढ़कर जाने वाले हम सब हैं, तो बेकार की बातें क्यों सोच रहे हैं आप? अम्मा क्या है ज्योति? मेरे मम्मी पापा हैं, तुम्हारे भी हैं, लेकिन पापा के क्यों नहीं हैं? वो ये जवाब देने के लिए यहाँ कोई बोलना नहीं चाहता, पर ऊपर वाला भगवान बोलता नहीं है। दादी माँ आपके लिए मैंने खा लिया बेटा, तुम लोग खाओ। इतने दिनों से बोल रहा हूँ अभी तक घर खाली नहीं किया, तेरी ये हिम्मत। इन बच्चों को सर छुपाने के लिए जगह भी नहीं रहेगी। मेरा बेटा नसीर आएगा, तुम्हारा कैसा चुका देगा। बेटा कहाँ से आएगा बेटा? इन दोनों को जीप में बिठाओ, ले जाओ। इन दोनों को दुबई भेज के काम करवाएंगे तभी तेरा कर्ज चुकता होगा। ये दोनों छोटे बच्चे हैं, आखिर ये क्या काम कर सकेंगे? अगर ये काम नहीं करेंगे तो कर्ज क्या तेरा बाप चुकाएगा? चलो छोड़ दो मेरे बच्चों को, छोड़ दो। मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है जो मेरे अपने सब मुझसे दूर हो रहे हैं? दुबई में हमें पगार क्या देंगे? हमारे अब्बू का खर्च चुकता हो जाएगा। जान लोगे तो 1 लाख, जान दोगे तो 10 लाख। हम क्यों मारेंगे और क्यों मारेंगे हिंदुस्तानियों को? और नाकाम हुआ तो खुद मरोगे। बाबा, हम उन्हें क्यों मारेंगे? आखिर हम भी तो हिंदुस्तानी हैं। अरे यही तो जिहाद है। तुम मुजाहिदीन बनोगे। तुम कहाँ जा रहे हो पता है? दुबई नहीं, पाकिस्तान में हमारे जो लीडर असलम खान हैं, उनके पास जा रहे हो। ये काम मुझे नहीं चाहिए, मैं वापस जाऊंगा। मैं भी जाऊंगा। जिहादी बनना पड़ेगा। किसी ने बताया नहीं? मुझे भी किसी ने नहीं बताया कि अपने ही देश पर हमला करना पड़ेगा। मैं यही पैदा हुआ, हिंदू परिवार में। महाभारत पढ़ा, रामायण पढ़ा, लंका में जाके हनुमान ने लंका दहन किया सुन के तालियां बचाई। जब मेरे ही घर को किसी ने आग लगाई तो उसे बुझाने के लिए कोई भी आगे नहीं बढ़ा, इसलिए पड़ोसी देश से हाथ मिलाया। तो क्या हमें भी उनसे हाथ मिलाना पड़ेगा और मिलजुल कर रहने वालों की जान ले लो? तो फिर मिलजुल के ही मर जाओ भाई। देशभक्ति का भूत जिस पर चढ़ जाता है वो इस देश के लिए बोझ है। आप भी ड्राइविंग सीख सकते हैं ना? अगर मैं गाड़ी चलाऊंगा तो यहाँ का इतना बढ़िया नजारा कैसे देख पाऊंगा? ऐसा भी क्या बढ़िया? तुम स्टीयरिंग पकड़ोगी तो मैं प्यार से तुम्हारे कंधे पर हाथ रख सकता हूँ। तुम गियर बदलोगी तो मैं तुम्हारी कमर देख सकता हूँ। तुम कुछ बोल भी नहीं सकती हो। ये मेरी आंखों का नसीब है, नसीब। इस तरह बोलेंगी तो मैं ड्राइव नहीं करूँगी। तुम्हारी मर्जी, मैं भी कौन सा घूमना चाहता हूँ। तुम कहो तो ऐसा लकड़ी यहीं पे शुरू करते हैं। ये पागलपन छोड़िए और आंखें बंद करके बैठ जाइए। पागलपन छोड़ू और आंखें भी बंद करूं, ये नामुमकिन है। प्लीज ऐसे लकड़ी शुरू करते हैं ना। थैंक्स। ऐसे लकड़ी कुछ करने के लिए ही तुमने गाड़ी में ब्रेक लगाए होंगे। रेडिएटर गर्म हो गया होगा। ऐसे लकड़ी से ठंडा करूंगा सोचा। ऐसा नहीं है बाबा, जरा उधर देखो। जरूर मिलेगा। सिर्फ पैसों से काम नहीं चलेगा मालकिन। साहब डफली बजाएंगे और आपको उनके साथ नाचना होगा। ऐसे लकड़ी कराओगे तो आता हूँ। कैलाश पर्वत बारिश से भीगा, मन मेरा भीगा ये तुझको जो देखा। आजा तू आजा जरा, देख दिलदार खड़ा है, दूर नहीं ये पास खड़ा है। कैसे बजूंगी मैं, हाय कैसे सहूंगी मैं। अरे अम्मा, ना इसको ऐसे छोड़ो। आज आज तेरा दिल भर देंगे, आज तुझको हम खुश कर देंगे। तू ही तू है इस दिल की रानी, सबको पता है ये। अरे अम्मा, ना इसको ऐसे छोड़ो। आऊंगी ना तेरी बातों में, हो गया है पागल दीवाना। मुझको तो सताए क्यों, मुझको तो रुलाए क्यों। हो या, हो या, हो या, हो या। है दिल में वफा की प्यास, है दिल में तू आके आज तो कर दे सनम हसरत मेरी पूरी। मैं कहां और तू कहां, मैं हूं हंसी मैं हूं जवा, इसलिए ये है तेरी परछाई सी दूरी। आज आज मेरी बाहों में, कब से खड़े हैं राहों में। कभी ना बाहों में खड़े रहो ये राहों में। कैसी तेरी गोरी है ये बेरुखी, yeah। तेरे हाथों में ना वक्त बिता दो, बातों में मरते हैं तुझ पे हम भी, दे देंगे अपना दम भी। आज दे दे तू कलाई, अब रहा जाए न तुझको देख के जाना। कैसे तेरी बेताबी, मुझे छोड़ जाने दे भी, एक बार मुझे छूने दे, इसके असर में जीने दे। आके मुझको ले ले और बाहों में तू, धक धक दिल करता है कहीं रोके न तू। होया होया देख देख दिलदार खड़ा है, दूर नहीं ये पास खड़ा है, कैसे बजूंगी मैं, हाय कैसे सहूंगी मैं। आजा आजा तेरा दिल भर देंगे, आज तुझको हम खुश कर देंगे, तू है इस दिल की रानी, सबको पता है ये। किस लिए? खरीदने। क्या खरीदने? पापा को। बकवास बंद करो, तेरे पापा कहाँ हैं? गिरवी रख के आई हूँ, तुम पैसे दोगे तो छुड़ाऊंगी। हाय हाय बाबूजी को तो देखो कैसे घुमा रहे हैं, कैसे रस निकल रहा है, मर्द हो तो ऐसा। और एक ये है, ना तो घुमाने आता है ना रस निकालना। और उसके लिए थूकती क्यों? हाँ तू है ही ऐसा, थूकने लायक। थूक ऐसा लकड़ी, रस बड़ा मीठा निकला, कमाल है। बाबूजी ने जो रस निकाला वो पी के हाय सलगड़ी मीठा है बोल के जा रही है। क्यों नहीं बोलेगी, वो मंत्र भी मेरा ही, रस भी मेरा ही है। ये क्या अक्कल है तुझे, मेरे मत से काम करवाती है। हाँ? चार चार गिलास रस पी के पैसा नहीं देगा तो और क्या कराएंगे। ये सब क्या है? मैं और क्या करता, ज्योति रस पीना चाहती थी, माल मेरे पास था नहीं, क्योंकि माल तो तुम्हारे ब्लाउज के अंदर रहता है, इसलिए खुद को गिरवी रख के पिला दिया। इस तरह उल्टे सीधे काम आप करते हैं, इसलिए मैं पैसे अपने पास ही रखती हूँ। बाप रे, ये लो तुम्हारे पैसे। पैसे किस लिए बीबी जी? तो बाबूजी को थोड़ी देर और घुमाने को कहिए ना, बहुत मजा आ रहा है। आई एम रेडी। शर्म नहीं आती आपको? चलिए यहाँ से। निशाना लगाकर मारोगे तो गुब्बारा फट जाएगा, एक को मारोगे तो दूसरा मुफ्त, दोनों को मारोगे तो गोला मुफ्त। पापा पापा क्या हुआ? मम्मी यहाँ नहीं है तो आप गुब्बारा फोड़िए ना। मैं गुब्बारा कैसे फोड़ूंगा, मुझे तो तीर कमान चलाना आता ही नहीं है। आप फोड़ सकते हैं, फोड़िए ना। तुम कहती हो तो ठीक है। सही जगह निशाना लगाना। जय श्री राम। आहिस्ता लकड़ी। पापा डेंजर। क्या करेंगे? कुछ नहीं, उसके लिए मेरे पास एक मंत्र है। कैसा मंत्र? उसकी लकड़ी। हाँ भागता है, मेरे जोड़ों के पिछवाड़े में तीर मारता है। ए, यहाँ चिड़िया मिलेंगी क्या? आप शिकार के लिए आए हैं? तय रहो, इसे क्या पूछा, वहाँ देखो कितनी जंगली चिड़िया हैं। किसी ने भी ब्लाउज नहीं पहना है, हमारे लिए काम आसान है, एकदम डायरेक्ट एंट्री। अगर तेरा यही इरादा है तो देख तमाशा। चलो सबको पकड़ के गाड़ी में बिठाओ, जाओ। तो गोली मार दूंगा, आना जाओ। कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा। बाबूजी, कबीले के लड़के को जबरदस्ती ले जा रहे हैं, उन्हें बचा लो। अब तो मुझे सच बता दो, कमान पकड़ना नहीं जानता था तो तीर कैसे चला सका, ड्राइविंग नहीं जानता था तो जीप कैसे चला सका? देखे मदन लाल जी, 7 साल से जो बोलता है वही मत दोहराइएगा, मुझे सच्चाई जाननी है। क्या हुआ ये जानना है। मेरी राह देखने वाला अगर मेरा कोई अपना है तो उन्हें कितनी तकलीफ होती होगी, जरा सोचिए। मैं जिंदा हूं या नहीं इस बात से अनजान होकर बेचारे उन पर क्या बीत रही होगी समझने की कोशिश कीजिए। मैं कहीं आप लोगों से दूर ना हो जाऊं इस डर से मुझे मेरे अपनों से दूर मत कीजिए प्लीज। माँ बाप अपने बच्चों से झूठ बोल सकते हैं, बच्चे माँ बाप से सच्चाई छुपा सकते हैं, लेकिन साथ फेरे लेने वाली पत्नी अपने पति से झूठ नहीं बोलेगी। बताते हो, सब कुछ बताते हो। वहाँ देखो, सुनो, किसी को बुला के लाओ। मेरे बाबूजी के डॉक्टर होने की वजह से फौरन आपका इलाज हो सका। दिन रात आपके पास रहकर मैंने आपकी देखभाल की। आपकी जान तो बच गई, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद आपकी याददाश्त वापस नहीं आ सकी। बाबूजी के आदेश अनुसार मैंने आपका पूरा ध्यान रखा। धीरे धीरे मैं आपके इतने करीब आ गई कि पल भर के लिए भी आप आंखों के सामने ना हो तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता था। किसी तरह बाबूजी और माँ को समझा बुझाकर अपनी शादी के लिए राजी करवा लिया। धीरे धीरे आपको मैं भी अच्छी लगने लगी। हम दोनों में मेलजोल इतना बढ़ा कि देखते ही देखते वो प्यार में बदल गया और जैसे मैंने चाहा हमारी शादी हो गई। आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं ये जानना तो चाहते थे, लेकिन उसकी वजह से जो आपको मारना चाहते थे उनको पता न चल पाई, इसलिए हम लोग चुप रहे। हम डर डर के जी रहे हैं कि कहीं आपको पता न चल जाए। सच्चाई का पता चल गया तो आप कहीं वापस न चले जाए और हमसे दूर न हो जाए हमेशा के लिए, इसलिए ये बात आज तक छुपा के रखी। ये देखिए, इससे पता चल जाएगा कि कितनी बुरी हालत में आप हमें मिले थे। बड़े मियाँ टेलर्स, हैदराबाद। मुझे हैदराबाद जाना। चाय बिना नहीं चलेगा। नहीं जाना गलत होगा। गोली लगने जैसी कोई गलती मैंने की है तो मुझे अपनाने वाले आप लोगों को कोई तकलीफ हो सकती है। अगर वो दोषी हैं और मैं यहाँ पर चुप रहूंगा तो वो हमारे समाज के दुश्मनों का साथ देने के बराबर होगा। सजा का हकदार मुजरिम वो है या मैं, ये तय न करना इंसाफ का गला घोटने के बराबर होगा। इनमें से मैं कौन सा जुर्म करूं, ये 7 साल मेरे साथ बिताने वाले तुम खुद फैसला कर लो। पापा, हैदराबाद में कौन है यही जानने के लिए तो मैं जा रहा हूँ बेटी। मैं जल्दी आ जाऊंगा। जल्दी लौट आओगे ना? प्रॉमिस? प्रॉमिस। ये क्या, हमेशा के लिए हमें छोड़ के थोड़ी जा रहे हो, आखिर जा भी कहाँ रहे हो? तुम्हारे अपने कौन है कहाँ है पता लगाने के लिए ना, हमारा बंधन यहीं पे खत्म नहीं होता है। खुशी खुशी जाकर आओ। मैं चलता हूं। अन्याय से मुंह फेरने वाले 100 लोगों से ज्यादा उसका सामना करने की हिम्मत और समाज को सुधारने का दिल रखने वाला मुझ जैसे एक आदमी की जरूरत है इस समाज को। बेकार की बातें क्यों करते हो? आज तुम्हारा राशिफल ठीक नहीं है। आज तुम्हें मुफ्त की मार मिलेगी, यही भविष्यवाणी है। राशिफल, भविष्यवाणी, इन सब बातों पे तेरे जैसे लोग विश्वास रखते हैं। मैं तो राजा हूँ, मेरे सामने अगर कुछ हुआ तो पापड़ पापड़ की तरह बेल के रख दूंगा मैं। भैया बोलिए साहब, यहाँ बड़े मियाँ टेलर्स नाम की कोई दुकान है क्या? मेरी जानकारी में तो नहीं है साहब। पुराने दुकानों को तोड़कर 5 साल पहले ये कॉम्प्लेक्स बना था, उससे पहले रहा हो मैं नहीं जानता। ऐसे क्या देख रहे हैं? आप मुझे भूल गए? आपको आज मैं पहली बार देख रहा हूँ, पहले कभी परिचय था या नहीं मुझे कुछ याद नहीं। याद आए तो भी हम मानेंगे थोड़ी। प्यार करके धोखा दिया कहते हुए शर्म आएगी ना? शादी के मंडप से बिना बताए भाग आए, कमाल थोड़ी करेंगे। प्रेस्टीज की बात है ना? मैंने? हाँ आपने। तो फिर चलो। कहाँ ले जा रहे? मैं पूरी जानकारी पाना चाहता हूँ। लगता है ये रिवर्स में आ गया। अगर इसको मालूम पड़ा कि बकरा प्रोग्राम है तो हमारी धुलाई कर देगा। जो होना था सो हो गया, अब मैं गलती को सुधारना चाहता हूँ। उसके लिए लोगों के सामने इस तरह पंचायत करने की जरूरत नहीं है। चलो। जो होना था वो हो गया कह के तुम चलते बनोगे और हम बेवकूफों की तरह तुम्हें जाने देंगे? बच्चों वो दिन चले गए, अब हर अन्याय में मैं दखल दिया करता हूँ। अन्याय को मिटाना ही मेरा पेशा है। ये बताओ ऐसा क्यों किया था तुमने? शादी के मंडप से क्यों भाग गए थे? I want answer on the spot. देखता क्या है? मेरा हाथ उठ जाता है तो मैं शेर बन जाता हूँ। शादी के मंडप से क्यों भागे? बोलो बोलो बोलो। ऐसे क्यों पूछता है रे? इन दोनों की शादी टूटने का कारण तू ही तो है। पोपो। जीजा जी, आपकी जिंदगी से खिलवाड़ करने वाला यही है, इसे मत छोड़िए। जीजा? हाँ जीजा जी, इसने अपनी बहन की जिंदगी के लिए मेरी बहन की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। क्यों बे? अपनी मनमानी करके बीच सड़क में मुझे टोक रहा है? अभी बेहोश हो जाते हैं, बाद में मस्का मारते हैं। तेरी नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए दोनों सदमे की वजह से बेहोश होकर गिर गए। किसी मासूम की जिंदगी से खिलवाड़ क्यों किया? ठहरो, मैं हाथ उठाऊंगा तो शेर बन जाऊंगा और तुम हाथ उठाओगे तो कुछ और बन जाऊंगा। क्या करेगा बे? बिल्ली बन जाऊंगा, मुझे माफ कर दो। जा, अबे जा। तूने क्या सोचा पैर पकड़ने से छोड़ दूंगा? फैसला होने के बाद ही छोड़ूंगा। उसे उठा। साहब साहब देखिए, वो दोनों आराम से लेट के सो रहे हैं साहब, बेकार में क्यों डिस्टर्ब करें? उठाता हूँ साहब, बिगड़ते क्यों? सुबह सुबह किसका मुँह देखे घर से निकला था। उठ रहे, उठ। सुपर। क्या उठाया है? बाप रे। फ्रिज कहाँ है? किचन में है सर, क्या चाहिए बोलिए मैं लेके आता हूँ। छोड़ दिया तो भाग जाएगा ना? तू इनके पाँव रगड़ता रहे, मैं जाके पानी लेके आता हूँ। बाप रे, पता नहीं कहाँ से चल के आया, पैरों से बदबू आ रही है। तूने क्या किया रे? ये लड़की क्यों चिल्लाई? मार खाने वालों को चिल्लाने कहा कि कम से कम इस धर्म का तो पालन कीजिए। उसी ने मारा, ऊपर तो वही चिल्लाई भी। चुप कर, वो दोनों बेहोश पड़े हैं और तू कह रहा है कि तुझे मारा। उधर देखिए साहब, आप खुद ही जान जाएंगे। तो तू ये काम कर रहा था? साहब यहाँ हुआ कुछ और आप समझ रहे हैं कुछ और। माँ कसम आप मेरी बात मानिए, मुझे एक शक हो रहा है, अगर ये सच में बेहोश है और मैंने इसका जिप खोला भी तो ये कैसे चिल्ला सकती है? क्यों बे, लॉजिक की बात कर रहा है? मान मर्यादा वाली लड़की चाहे किसी भी हालत में हो, इज्जत पर हाथ पड़ते ही चिल्लाएगी। साहब पहले से आप इस तरह चिपके हुए तो मैं क्या बोल सकता हूँ बाप। चिप कर और ये पानी उनके मुँह पे चढ़ा। मुँह पोंछ बे गली के कुत्ते। पोंछता हूँ बेटा, पोंछता हूँ। क्या बड़बड़ा रहा है? मेरा बड़बड़ाना आपको सुनाई देता है? ये लोग कुछ भी करे ना तो आपको सुनाई देता है ना दिखाई देता है, क्योंकि बेहोश है ना। मुँह खोलो तो छूट ही निकलता है। दूध लेकर आ रहा हूँ, कुछ भी किए बिना चुपचाप बैठे रहना। अच्छा भाई साहब, आपसे बोल के कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये दोनों खामोशी से मेरे बैंड बजा रहे हैं। अबे घोचू कहीं के। हाँ? भैंसे की तरह मार खाने पर भी तो अपने कुत्ते की अकल नहीं बदलेगा। बेहोश होने के बावजूद ये लड़की सही वक्त पर चिल्लाई इसलिए बच गई। साहब आगे कौन रही है? मजाक सूझ रहा है? जो करना था वो करके बत्ती से दिखा रहा है। जब से मैं पैदा हुआ तब से मेरी शक्ल ऐसा ही है साहब। मैं जाके डॉक्टर को बुला के ले जाता हूँ। इस बीच अगर तूने कुछ किया तो जान से मार डालूंगा। मैं आपको पाँव पड़ता हूँ। मैं जाके डॉक्टर को बुला लाता हूँ। वहाँ जाके पतली गली पकड़ने के लिए तू यहीं रह, मैं जाके बुला के लेके आता हूँ। ठीक है। मर गया। हेलो, तुम्हारा राशि फल सही नहीं है कहा था ना, तब तुमने मजाक उड़ाया था। अब क्या हुआ, फट गई ना? भविष्यवाणी मजाक है क्या? जले पे नमक छिड़कता है। आइए डॉक्टर साहब। वो कहाँ गए? देख लिया साहब, आपने मेरी एक नहीं सुनी, दोनों मेरी खूब पिटाई करके भाग गए। अब नहीं कहानी सुना रहा है, कहीं तेरी पोल ना खुल जाए, इस डर से तूने खुद उन्हें भगाया होगा। सच बता। साहब मेरा तो नसीब ही फूट गया है। अब तो मेरी बात मानिए। नहीं साहब, अब और मार खाने की ताकत मुझ में नहीं है। आप एक काम कीजिए, 2 तंदूरी चिकन मुझे खिलाइए, फिर जोश आ जाएगा। जितना मारना है मुझे मारिए। बिल की चिंता मत कर, पेट भर के खा, जो हुआ वो बता बस काफी है। माल बढ़िया है, देख लगता है साथ में दल्ला है। देखो जी वो मुझे घूर रहे हैं। क्यों नहीं घूरेंगे, तू इस तरह ओपन एयर थिएटर चलाएगी तो लोग घूरेंगे ही। मेरी तकदीर ही खोटी है, जोड़ी बराबर की नहीं है, तुम यहाँ को दल्ला समझने लगते हैं लोग। यहाँ किसी की बात तुझे सुनाई नहीं देनी चाहिए सिवाय मेरी, यहाँ कोई भी तुझे दिखाई नहीं देना चाहिए सिवाय मेरे। सारे भारतवासी तेरे भाई हैं सिवाय मेरे, समझ गई? तो फिर दुबई वाले? ऐ सरहद पार मत कर, सिर्फ दुबई वाले ही नहीं, दुनिया भर के सारे मर्द तेरे भाई हैं सिवाय मेरे, अंडरस्टैंड? क्यों हर बात के लिए मुझको शक करते हैं? हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन जाऊं या तुम्हें काट के साफ करोगे? वो काम मैं घर पे करूंगा, यहाँ तुम धो के आओ। एक्सक्यूज मी, वॉश बेसिन कहाँ है? मैं भी वहीं जा रहा हूँ, फॉलो मी। हेलो, इसे अपने साथ ले जा रहे हो? या इसके पति से पूछने की जरूरत नहीं। किस लिए सर? अगर उसे बुरा लगे तो। बुरा क्यों लगेगा, धो के आ जाएगी ना। धो के आ जाएगी? ये क्या कर रहा है? धोने की बात कर रहा है। अभी मैं तेरी धुलाई करता हूं। मैं तेरी जान ले लूंगा। रुक जाओ, क्या हुआ? ये मेरी बीवी को फॉलो भी कह के भगा ले जा रहा था साला। क्यों रे, ये सच है? अगर मैं सच कहूंगा भी तो आप थोड़ी नहीं यकीन कर लेंगे। 5 मिनट और चुपचाप रहता तो ये मुझे जिंदा दफना देता। छी छी छी, ये दिमाग से पैदल है, लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने में एक नंबर है। कौन मैं? चुप कर, इनके पैरों में गिर के माफी मांग। अच्छी बात है, मुर्दे को मारे को तो दर्द थोड़ी महसूस होगा। मुझे माफ कर दो मेरी माँ, फॉलो मी अल्फाज में इतनी ताकत है मुझे नहीं मालूम था। फिर से राशि फल सही नहीं है कहा था तो नहीं माना ना, अब तुम्हें यकीन आया? बहुत हो गया, घर चलो। मानता हूँ मैं टिंगू, फिर भी इतना गया गुजरा होगा कि फॉलो मी कह के किसी के साथ भी चली जाए। वो ऐसे भी कौन सा लंबा है? ऐसा नहीं है जी। चुप कर, तेरे ऊपर से भरोसा उठ गया। साबित कर कि तू सती सावित्री है। कैसे जी? कैसे क्या, आग में कूद के जिंदा बाहर निकल के या कल सुबह का सूर्योदय रोक के। ये सब क्या है, ये कौन है? आजकल आप घर वक्त पे नहीं आते, तभी मुझे शक हुआ। इसके साथ शादी होगा क्या? कितनी बार इन सभी जीजा जी मेरी बहन के साथ शादी करके छोड़ दिया तो उसकी जिंदगी का क्या होगा? माँ कसम तुम लोग कौन हो मैं नहीं जानता, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। हाँ जाने दो, मेरा घर है ना। ठीक है, ये बीवी नंबर 2 मैं बीवी नंबर 1। हाँ क्यों? मैं तुझे धोखा दे रही हूँ, बेवफा कहीं के, मेरी पीठ पीछे इसके साथ रंगरलिया बना रहा है। ये झूठ है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ये ले। अरे झूठ है, तुम ये ले। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मुझ पर इल्जाम कीजिए मैडम, बस कीजिए मैडम। आदमी अगर गलती करता है तो बीवी कैसे रिएक्ट करती है ये देखने के लिए बकरा प्रोग्राम था। आपने तो कमाल कर दिया मैडम। पर मैं तो सचमुच बकरा बन गया मैडम। साहब यहाँ के देखिए, वो दोनों दुनिया को कैसे बेवकूफ बनाते हैं आप खुद जान जाएंगे। लीजिए, ये हमारी बीटीवी की तरफ से गिफ्ट पैक है। इतनी पिटाई मेरी हुई और तोहफा इनको। नमस्ते मैडम। हेलो, मैं बीटीवी एमडी बड़े मियां बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर। रेखा, प्रोग्राम सब ठीक से प्लान कर लेना। कौन है वो? वो हमारे एमडी है, बड़े मियाँ। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैं बताता हूँ, मैं तुमको बताता हूँ। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें मारने के लिए नहीं आया हूँ, तुम्हारे जरिए मैं कौन हूँ ये बात जानने के लिए आया हूँ। तुम मुझे छोड़ दोगे ना? हाँ। मुझे छोड़ दो। ठीक है, बचा लूंगा। मुझे बचा लो। जब तुमने मुझे याद किया तभी। कैसे आए? तुम्हारी कल्पनाओं की पालकी में। क्यों आए? रात ख्वाब में जो तुमने चुम्मा दिया उसे तुम्हें वापस देने के लिए। तो दीजिए ना। दिया तो खुद को रोक सकोगी? हरगिज नहीं। अगर आप साथ हैं तो मैं रुकूंगी क्या? अगर मैं मैदान में उतर गया तो दिन रात का फर्क नहीं देखता, शुरू तो कर देता हूँ पर रोकना मेरे हाथ में नहीं है। डिसाइड कर लो। मैंने तो कब का डिसाइड कर लिया है, ये जान भी आपकी और जिस्म भी। क्या हुआ? जैसे दिल के तार को छेड़ दिया हो। हाँ? अब क्या हुआ? सारी नसें एक ही सुर में गाने लगी हैं। और अब क्या हुआ? तार टूटने वाले हैं, और भी देर करोगे तो सुर और तार का मेल नहीं होगा। चुमा दे मुझको चुमा, मुझसे ले ले चुमा। मैं दूंगी चुमा, दे दे तू पहले चुमा। तन की जलन कम करने दे, पहले दम भरने दे। प्यास बुझा दे, जाम पिला दे आज तू मुझे। डर लगता मुझे मत छूना, मत छूना, मत छूना। अब मुझे रोको ना, रोको ना, रोको ना। जानू 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 चीची। चुमा दे मुझको चुमा, मुझसे ले ले चुमा। मैं दूंगी चुमा, दे दे तू पहले चुमा। मैं दिल भर रोशन है शमा, प्यार की शमा। देखो देखो तुमको है गुमा, दिल कहता है सुन लो गौर से उसकी तुम ज़बान। हाँ हाँ दिल देता है सदा, हो गई तुम पे मैं फिदा। दिलदार तू, यार तू, प्यार तू। चुमा दे मुझको चुमा, मुझसे ले ले चुमा। मैं दूंगी चुमा, दे दे तू पहले चुमा। भर लूं तो भड़केगा प्यार का शोला। तूने देखा दिल मेरा डोला, नखट अंदर से ऊपर से तो बड़ा है भोला। छलके दिल का ये पैमाना, तू हो गया है दीवाना। दिल बहक दिल मचल दिल लाका दिल। यो 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 चुमा दे मुझको चुमा, मुझसे ले ले चुमा। मैं दूंगी चुमा, दे दे तू पहले चुमा। तन की जलन कम करने दे, पहले दम भरने दे। प्यास बुझा दे, जाम पिला दे आज तू मुझे। अब मुझे रोको ना, रोको ना, रोको ना। जानू 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 छी छी। बताती हो या नहीं? बता। जल्दी जाओ बेटी जाओ। बता कहाँ है तेरा दामाद? तेरी बीवी मुंह नहीं खोल रही है, अब कभी भी मुंह नहीं खोलेगी। लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी, कहाँ है तेरा दामाद? बोल वरना तू भी अपनी बीवी की तरह मरेगा। चला गया। वो चला गया। मेरा भाई किंग था, किंग। वो जब भी बस्ती में आता था तो पुलिस वाले टोपी उतार देते थे। उसे मार डाला उसने। तेरा दामाद मामूली आदमी नहीं है। बोल वो कहाँ है? बोल बोल। वो ये है, ये अभी तक जिंदा है। इधर आओ। हाँ भाई, ये अभी तक जिंदा है। मैंने बताया था ना, ये कोई मामूली आदमी नहीं है। ये कहाँ गया बोल? हैदराबाद गया है। अगर तो उसके हाथ लग गया तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर डालेगा। वो तेरी तरह मामूली आदमी नहीं है। मैं भी मामूली आदमी नहीं हूँ बे। भाग जाओ बेटी, पकड़ लो। छोड़ना नहीं उन दोनों को। Hey, shit! असलम खान, मैं साठे बात कर रहा हूँ। अर्जुन सिंह अभी तक जिंदा है। या खुदा, इस मेहरबानी के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। मेरा दुश्मन अभी तक जिंदा है। सुनाओ साठे, वो अर्जुन मुझे जिंदा चाहिए, नहीं तो तुम जिंदा नहीं रहोगे। हे बलराम, ये अर्जुन सिंह, इसकी बीवी, बच्ची सब इसी शहर में हैं। फौरन सबको पकड़ के मेरे पास लाओ। जाओ। आज का कोई नया प्रोग्राम है? अभी तक जो किया वो काफी नहीं है? मुझे आपसे बात करनी है, मैं आपको भूल नहीं पा रही हूँ। पागलपन की बात मत करो, मेरी शादी हो गई है, मेरी अपनी एक बच्ची भी है। सुनिए, हाँ? सिकंदराबाद जाने के लिए बस यहाँ पर कितने बजे आएगी? यहाँ पर थोड़ी आएगी, वो सामने खड़ी है, जाकर पकड़ लो, जल्दी करो। हेलो, अरे सुनिए, हेलो माजी, 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 इडली देना जी। ये लीजिए। भूख, भूख। माँ जी, ये खा लो। शुक्रिया बेटा, अल्लाह तेरा भला करेगा, जीते रहो। तेरा ये खाना मेरे लिए हराम है। ये ले पापी, तेरी वजह से कितने लोग मर गए, न जाने कितने लोग सड़क पर आ गए। तेरी वजह से मेरा बेटा नसीर बेगुनाह होकर भी कुछ ही दिनों में फांसी पे चढ़ने वाला है। जा रे, चला जा, उसकी मौत को भी अपनी आंखों से देखकर खुशियां मना। जा रे, चला जा, चला जा, चला जा।7 साल से हर रोज तुम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो, फिर भी फांसी से बच नहीं पाए। तुम इतने इत्मीनान से कैसे रह लेते हो? अपने भाई पर भरोसा। दिया हुआ वचन निभाने के लिए वो अपनी जान की बाजी लगा सकता है। वो आएगा, जहां भी है वो जरूर आएगा। नमस्ते साहब। क्यों भाई, किससे मिलने आए हो? नजीर से। उसके बारे में जानकारी आए हो क्या? वो कोई मामूली आदमी नहीं है, वो एक खतरनाक आतंकवादी है। उसका केस मिलिट्री वाले हैंडल कर रहे हैं। अगर उन्हें पता चल जाए कि तू इससे मिलने आया है तो वो तुझे गोली से उड़ा देंगे। जा जा। नहीं साहब, मुझे उससे कुछ बात करनी है। तू उससे क्या बात करेगा? तुम दोनों में क्या ताल्लुक है? यही जानने के लिए तो आया हूँ। अच्छा, तुम दोनों में क्या ताल्लुक है ये भी नहीं जानता? भाई मान गए। अच्छा, तू है कौन? ये भी वही बताएगा साहब। मजाक कर रहा है क्या? तू कौन है ये भी वही बताएगा। इस राम प्रसाद से मजाक मत कर। तिहाड़ जेल को भी हिला के रख दिया था मैंने एक जमाने में। बाहर निकल। प्लीज, मेरा उससे मिलना जरूरी है, समझने की कोशिश कीजिए। ओए, ये लातों का भूत है, बातों से नहीं मानने वाला। बाहर ले जाकर इसकी मरम्मत करो। अरे ये क्या कर रहे हो? हम पर नजीर कहाँ है? दिखाओ। चिल्लाना बंद करो, मुझे नजीर के पास ले जाओ। हाँ, मत करना। वो देखो, वो रहा नजीर। अर्जुन, मेरे भाई। क्या देख रहा है? मैं हूं नजीर। अर्जुन संभाल के। मेरे भाई को जगह सारी गाड़ियां तोड़ दो। अर्जुन भाई, अर्जुन, अर्जुन। हेलो, नमस्ते मेजर साहब। फांसी की सजा सुनाए गए नजीर से आज सुबह कोई मिलने आया था। हम पर हमला करने की वजह से उसे अरेस्ट किया। यकीनन ये आतंकवादी होना चाहिए, उसे पकड़ कर लाओ। उसे हे माता शेरोवाली माँ, किसी तरह मुझे अपने खोए हुए पति और बच्ची से मिला दे। ज्योति, ज्योति, सुनिए, सुनिए। गुंडागर्दी है? किस लेवल की गुंडागर्दी है तुम्हारी? नुक्कड़ के गुंडे हो, मस्ती के गुंडे हो, या स्टेट के गुंडे हो, जानते हो गली का हो तो एक स्टाइल, दिल्ली का हो तो दूसरी स्टाइल में मारता हूं। किस तरह की मार खाओगे, किस टाइप के चाहिए बोलो, मैं तैयार हूं। हे हे, मैं किसी के रास्ते में नहीं आता और मेरे रास्ते में कोई आ जाए तो मैं छोड़ता नहीं हूं। उकसाने वाले के सामने जान पटकना और घमंडी को देख के मूछे ऐंठना, ये मुझे जन्म से मिली सौगात है। मुझसे पंगा लेने या भिड़ने के लिए आए तो तुम में से एक का भी थोबड़ा पहचान में नहीं आएगा। क्या हुआ, आओ। रोती क्यों बेटी, मैं हूं ना। बच्ची को संभालिए, बेचारी अभी तक सदमे में है, इसलिए मुझे देख के अपना डैडी समझ रही है। बच्चों को जन्म देना ही नहीं, माता पिता को उनका भला बुरा भी देखना चाहिए। इस तरह लापरवाही से उन्हें छोड़ना अच्छी बात नहीं है। बच्ची को संभाल के इसके डैडी के पास ले जाइए। हाथ जो लगा उसे छोड़ दिया, कैसे सिलेक्ट कर लिए गए तुम लोग नौकरी के लिए। सर है? वो जा रहा। स्टॉप द व्हीकल। हे मिस्टर, स्टॉप देयर, डोंट मूव। सरकार ने टेररिस्टों को नहीं छोड़ा तो मुझे मार दोगे? छोड़ देंगे, तेरा बाप सेंट्रल मिनिस्टर है ना, जरूर छोड़ देंगे। करने की कोशिश में मेरे बच्चे ने जान गंवा दी। इनकी वजह से मेरा सारा परिवार उजड़ गया। इनका मेरे को मत छोड़िए। मंत्री जी, हमारे देश की जनता आपसे सवाल पूछ रही है, आपको जवाब देना होगा। हमारे सिपाहियों ने अपना खून बहाकर इन्हें कितनी मुश्किलों से पकड़ा है, क्या आप अपने बेटे के लिए इन्हें रिहा कर देंगे? मेरे बेटे की जान भी जाए मुझे कोई फिक्र नहीं, लेकिन ऐसे उग्रवादियों को छोड़ना नहीं चाहिए, कहा था मैंने। लेकिन सरकार ने कुछ और फैसला किया। अरे इन कुत्तों को मत छोड़ो। कुत्ते हम नहीं, तुम्हारे चुने हुए सियासती लीडर हैं। हमारे टुकड़ों पर पलते हैं वो। हम जहादियों को सलाम नहीं मारोगे तो तुम लोग जी नहीं सकोगे। वैसे मर्द कहाँ है तुम्हारे मुल्क में? चलो चलो जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। टेक ऑफ लो। रनवे पर कोई है? आगे बढ़ो। तो क्या बक रहा था? हमारे देश के अंदर मर्द नहीं है। अगर हमें अपनी मर्दानगी दिखानी है तो एक दिन के लिए, 24 घंटों के लिए हमारी सरकार अपनी बागडोर हमारे हाथों में सौंप दे तो हमारी फौज तुम्हारी गलियों में होगी और हमारा तिरंगा आतंकवाद के सीने में गड़ा होगा। हम शांति नाम के लफ्ज की इज्जत करते हैं, इसलिए तुम लोग जिंदा हो। अगर वो लफ्ज हम भूल जाए तो तुम लोगों की जिंदगी। तलवार फेंक दे तलवार, नहीं तो। असलम खान की कोशिशों को आखिरी वक्त तक नाकाम किया हिंदुस्तानी ऑफिसर अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह राठौर, तूने 10 को मारा है, सिर्फ 10 जिहादियों को। इससे मेरा एक भी बाल बाका नहीं होगा। उनकी तादाद 10 गुना और बढ़ाने के लिए तेरे अपने ही शहर हैदराबाद के बीचों बीच मैं हजारों जिहादियों को तैयार करके दिखाऊंगा। कौन है ये अर्जुन सिंह राठौर? सरकार ने कहा क्या और उसने किया क्या? अगर मेरे बेटे को कुछ हो जाता तो? कुछ नहीं हुआ सर। खामोश। तुम लोगों का काम सीमा पर पहरा देना है, हुकूमत पर हुकूमत करना नहीं। हमारे कहने पर तुम्हें बंदूक उठाना है और रखना है। पहरेदार मालिक कब से बनने लगे? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं उसके गले में चेन लगा के अपने गेट से बांध के रखूंगा। कहाँ है वो? रुक जाओ मिस्टर। ए मिस्टर ठहरो। कर्नल अर्जुन सिंह राठौर इन एक्शन। इसकी स्टाइल तो देखो, किसके ऑर्डर से तू एयरपोर्ट गया था? पीएम ने या प्रेसिडेंट ने दिया? किसी ने भी नहीं दिया है। मीडिया में पब्लिसिटी पाने के खुजली है। खुजली क्यों है? खुजली मुझे नहीं, तुझे तुझे खुजली। पार्टी को हड़पने के लिए सीट की खुजली, पार्टी टिकट पाने के लिए नोटों की खुजली, बीवी बच्चों की भूख और अय्याशी के लिए पदवी की खुजली। उधेड़ दूंगा। शराफत से नहीं रहा तो चमड़ी उधेड़ दूंगा। एमपी पर हाथ उठाता है। यहाँ जो लगना था वो वहाँ पहले ही लग गया। मुझे मारता है कमीने, तुझे खत्म कर दूंगा। ए, 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 चुप। तुझे अपनी ताकत बैलेट बॉक्स से मिली होगी, मेरी ताकत मुझे माँ बाप के खून से मिली है। पल भर में तुझे मिट्टी में मिला सकता हूँ। बहुत जुबान चलाता है, तुझे मिठा के दिखा दूंगा। तू क्या दिखाएगा? शायद तू नहीं जानता, मैं सोना चांदी खा के बड़ा नहीं हुआ, पेट में जोश भर के पला बड़ा हुआ हूँ। माँ बाप की ममता की छत्र छाया में मेरा बचपन नहीं गुजरा है। अपने सर पे कफन बांध के निकला हूँ। जो मौत से नहीं डरता है उसे तू क्या डराएगा कुत्ते? चल पुलिस स्टेशन चल के अपने गुनाहों को कबूल कर ले। ये तो क्या बोल रहा है, पागल हो गया है? कौन सा गुनाह किया है मैंने? 2 दिन में तूने आतंकवादी को 56 कॉल्स किए हैं। ये बता तेरे और उनके बीच क्या ताल्लुक है? तेरे बाप से वो लोग जन्मे हैं या उनके बाप से तू जन्मा है? अपने बेटे को किडनैप कराने की सलाह देने वाला तू ही था। 100 करोड़ के लिए भारत देश की इज्जत को नीलाम करने वाला भी तू ही था। सरहद पर हम जान की परवाह किए बिना दिन रात एक करके अपने देश की हिफाजत करते हैं, और तू यहाँ ऐशो आराम में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। ए! तुझे तो मार के नई दिल्ली की गली गली में नंगा घुमाना चाहिए, कुत्ते की औलाद। ये क्या बदतमीजी है? मेरे पिताजी ने क्या किया है? क्या किया है? ये तेरा बाप अपने ही मुंह से तोते की तरह बोलेगा, तू भी सुन ले। मोहलत देता हूँ, 5 मिनट के अंदर नजदीकी पुलिस स्टेशन में पहुंचकर एफआईआर लिखवाकर गुनाह कबूल करके मुझे फोन करवाओ। रिंग करने में 1 पल की भी देरी की तो तेरे बेटे का सर हवा में उड़ जाएगा। नहीं, मेरे बेटे को कुछ मत करना, तुम्हें जो चाहिए मैं दे दूंगा। हरे पत्तों के सामने सिर झुकाने के लिए मैं कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं हूँ, तेरी झूठन के सामने हाथ फैलाने के लिए ना ही मैं कोई सरकारी बाबू हूँ। इंडियन आर्मी पलक झपकते ही भून डालूंगा। चल भाग, 5 सेकंड तो यहीं खराब हो गए। मेरे बेटे को कुछ मत करना, मैं अभी जाकर कबूल करता हूँ। मिस्टर सर, ये क्या हालत है आपका? हेलो हेलो हेलो, मंत्री जी मर गए साहब। सर, मिनिस्टर हार्ट अटैक से मर गया। मरने दो, कोई बात नहीं। सियासत की गंदी नाले में घूमने वाला एक जहरीला कीड़ा मर गया। That's all. उस फैमिली की लड़की की कमर में हाथ डाला पता चला तो तेरा कचुम्बर बना के रख देंगे, समझ गए? हाँ। बंद कर। हाँ, मैंने मुंह बंद करने के लिए नहीं कहा, सामने बंद कर। क्या हुआ? ओए माँ, जोर से लग गया। क्या लग गया? वही निशान। कहाँ? अरे बोलना, कहाँ? वो तो जहाँ लगना चाहिए वहीं लगा है। पूरे कितने? आगे दो, पीछे दो, बीच में एक, कुल मिला के 5। जरूरत पड़े तो मैं बाद में इलाज कर दूंगा, अभी तो चुपचाप घर जा। इस पर्चे पे कैसे आ रही हूँ? अरे मेरी पर्ची, अब मैं अपने फैमिली वालों के पास कैसे पहुँचूंगी? गुड मॉर्निंग सर, आई एम राम नायक, यहाँ का इंस्पेक्टर हूँ। ग्लैड टू मीट यू। उस दिन फ्लाइट हाईजैक में मारे गए आतंकवादियों में से एक हैदराबाद का है। इसकी फैमिली के बैकग्राउंड का पता लगाना है। ओके सर। अम्मी, दादी। क्या है बेटी? हाँ भारती, अर्जुन चाचू टीवी पे आ रहे हैं। अच्छा भारती, तू सच बोल रही है? हाँ अम्मी। अबू कहाँ है? वो कहाँ है? नज़ीर। हेलो, मैं यहाँ हूँ। चिल्लाती क्यों हो? सब लोग यहाँ पियक्कड़ कहीं का चल रहे टीवी पर अपने अर्जुन को दिखाने वाले हैं। देखो, तेरे मूंछों पर ये बोतल खड़ी होनी चाहिए। देश की हिफाजत करना हमारा फर्ज है, उसके लिए अपना सम्मान कराने के लिए मैं यहाँ नहीं आया हूँ। मुझे ये जिंदगी देने वालों के बारे में सबके सामने बताने आया हूँ। लावारिस होने के बावजूद मुझे अपना के सहारा देने वाले उस कॉलोनी के सभी लोग मेरे माता पिता हैं। देखा, हमारे बारे में कह रहा है। जेब का आखिरी पैसा भी खर्च करके मेरे लिए स्लेट खरीदकर मुझे स्कूल भेजने वाले मेरे नारायण मामा। मास्टर जी ने अगर मुझे मारा तो खुद दर्द से तड़प कर मास्टर से झगड़ा करने वाले मेरे यादव चाचा। अपने हाथ की अंगूठी बेच के मुझे स्कूल यूनिफॉर्म खरीद के देने वाले मेरे सत्या भैया। कैसे चुकाऊंगा मैं इनका एहसान? मेरी गलतियों को अपने साथ लेकर मार खाने वाले मेरे बड़े भाई नसीब। मेरे स्कूल से लौटने तक चौखट पर मेरी राह देखने वाली मेरी भाभी रसिया। इन सब के बीच वहां एक देवी भी है, मेरी माँ। अपने बच्चों को अलग सुला के मुझे अपने बगल में सुलाने वाली मेरी माँ सिर्फ मेरी नहीं, पूरी कॉलोनी की माँ है। उसने हमारे लिए जो कुछ किया है उसकी तुलना में हमने क्या किया उसके लिए। अर्जुन चाचू, अर्जुन चाचू। अरे छोटू से कैसा है मेरे भाई को? अरे ये क्या कर रहे हो? उतारो बेटा, उतारो। बेटा थक गया होगा, अंदर चल। अब मेरा क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, बाप रे, यहाँ भी अटपकी। तुम्हारे बेटे के मन में जरूर कुछ है, इसीलिए तो मुझे यहाँ लाए हैं। मेरे पते की पर्ची को जानबूझकर घुमा दिया और फैमिली का पता मिलने तक तुम हमारे साथ रह सकती हो ये कह के मुझे यहाँ लाए हैं। हाँ, तुम कौन हो बेटी? महाराजा प्रताप सिंह की पोती, राजा वीरभद्र सिंह की पुत्री, कुंवर महेंद्र प्रताप की बहन, राजकुमारी सौभाग्यवती गायत्री देवी। ये क्या है बेटा? बेकार में इसकी कुंडली मैं बता रहा हूँ। हम सब समझ गए, चल तू अंदर चल। आपको मैं जेठ जी कहकर बुलाऊं? ठाट से बुलाओ, बेझिझक बुलाओ, इस बोतल की कसम। हमारे कमरे में टीवी रखवा दीजिए ना जेठ जी, कलर टीवी। कलर टीवी? जेठ जी बन रहा है, इतना महंगा पड़ेगा मुझे मालूम नहीं था। तुम जो मर्जी माया बुलाओ, ये सब मुझसे नहीं होगा। बाप रे, कितने पावे छोड़ने पड़ेंगे कलर टीवी के लिए। पुराने की लड़की के लिए इतना भी नहीं करेंगे आप लोग। हाँ दीदी जी, हमारा भोजन आप यहीं पे भिजवा दीजिए। दरअसल बिस्तर से उतरने की आदत नहीं है हमारी। क्यों, इतना काफी है? ये निवाला भी मुँह में देना पड़ेगा? एक दूंगा ना, उठ नहीं पाएगी। चल नीचे उतर। तो समझती क्या है? उससे बहस करता है? ये कोई ऐसे वैसी लड़की है? महाराजा प्रताप सिंह की पोती, राजा वीरभद्र सिंह की सुपुत्री, कुंवर महेंद्र प्रताप की बहन, राजकुमारी सौभाग्यवती गायत्री देवी है। माँ बस कर, बस कर माँ, इसकी बीमारी तुम्हें भी लग गई। हमारे राजघराने की कहानियाँ बच्चे बच्चे जानते हैं। हाँ। चुप, ज्यादा हिल मत, पल्लू गिर जाएगा। नखरे मत दिखा, निचोड़ दूंगा। ए, तुम कुछ ज्यादा ही बोलते जा रहे हो, युद्ध शुरू हो जाएगा। मेरे पते की पर्ची मेरे मुँह पे फेंक दो, अब भी चली जाऊंगी। हाँ, ये मैं कहाँ फंस गया हूँ? एक बार इसका पता मुझे मिलने तो दो, इसे बिना टिकट की गाड़ी में बिठा के कहीं दूर भेज दूंगा। तेरा बेटा कब से आतंकवादी बना है बोल? नहीं जानता साहब, डॉक्टरी पढ़ के नौकरी करने दुबई गया था। कहानी मत सुना, मैं जानता हूँ तुम सबके आतंकवादियों से ताल्लुक है, पलता है यहाँ के टुकड़ों पर और पाकिस्तान से वफादारी निभाता है। साहब ऐसा मत बोलिए, मैं भी आजादी की लड़ाई में शामिल हुआ हूँ। बंटवारे के वक्त जब ज्यादातर मुसलमान वहाँ गए तब मैं फक्र के साथ कहा था कि मैं हिंदुस्तानी। पाक कुरान शरीफ की कसम, उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। तो इस तरह नहीं मानेगा तुझे तो। रामनायक, इनका उससे कोई संबंध नहीं है, इन्हें छोड़ दो। लेकिन सर इसका बेटा। मैं मुस्लिम माँ के आंचल में पला हूँ, सच्चा मुसलमान कुरान की कसम खा के झूठ नहीं बोलेगा। चाचा जान आइए। बेचारे कादिर भाई के चेहरे से पता चलता है कि पुलिस वालों ने बहुत पीटा है। मिलिट्री वाले हैं, आदमी और औरत का फर्क भी नहीं देखते। बेचारा कितनी इज्जत से रहता था। कादिर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी तारीफ? मैं असलम खान पाकिस्तान से आया हूँ, जिहादी गुट का लीडर हूँ। आपके साहबजादे शरीफ को जिहादी ट्रेनिंग मैंने ही दी थी, इस्लाम के लिए उसने अपनी जान दे दी। आपको फक्र होना चाहिए कि आपने इसे बेटे को पैदा किया। पहले से पता चलता तो मैं इसे खुद मार डालता। तुम लोगों के जुल्म की वजह से पूरी दुनिया इस्लाम को नफरत की नजरों से देखती है, हर मुसलमान को टेररिस्ट समझती है। हर मजहब को इज्जत से अगर कोई अपनाता है तो वो हमारा देश है। बस बस, इतना सब कुछ कहने के बावजूद अगर तुम जिंदा हो तो अपने बेटे की कुर्बानी की वजह से उसकी मौत अब भरपेट खाना खिलाएगी तुम सबको। ये लो 10 लाख रुपए हैं। एक गद्दार की मौत के बदले में मिलने वाले ये रुपए मेरे लिए हराम है। निकल बाहर, बाहर जा कुत्ते। ले लो अनवर, ले लो। अरे अनवर, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? ये पैसा नहीं है, जहर है। तू खाना खाता है या घास? हाँ अबू, आज तक मैं घास ही खाता था। आज से भाईजान के दिखाए रास्ते पर ही चलूंगा। असलम साहब जो खाना खिलाएंगे उसमें हिंदुस्तानियों का खून मिला के खाऊंगा। तेरा दुश्मन हिंदू ही नहीं, तेरे मकसद में रुकावट बनने वाला हर आदमी तेरा दुश्मन है, वो चाहे वालिद हो या भाई बहन या खुद अपनी बीवी। अपने ही कौम में रहकर हमें दुश्मन मानने वाले उन हर एक शख्स को जब तुम मारोगे तब जाकर तुम असली जिहादी कहलाओगे। चलो सुनो राजकुमारी जी, रंगोली बना के हमारे बेटे को फंसाना चाहती हो? मैं कोई चिड़िया थोड़ी ना जो मैं फंसा लूंगी। इस घर का नमक खाती हूँ इसलिए। इस बस्ती के सभी घर उसके हैं, सभी के घर में वो पला था। वो तो हम सभी का बेटा है, तो फिर हम सबके घर के सामने रंगोली सजाओ। अरे मुन्ना ये क्या कर दिया, मेरी रंगोली खराब कर दी। अब भी आती हूँ, रुक जा। कहाँ जा रहे तू? हाँ रुक जा, अभी बताती हूँ, अभी बताती हूँ। कहाँ है तू? रुक। अच्छा वहाँ है। कौन है बे? आप हैं। बहुत जोर से लग गई, निशान पड़ गए। कोई बात नहीं, हम दोनों के बीच का हिसाब चुकता हो गया। एक तो मारती हो, हिसाब की बात करती है। तो ऐसे बोले जैसे अपना शाही खजाना मेरा नाम कर दिया। तेरी ए रुक। मैं लुट गई, शाही मैदान को दुनिया के सामने खोल के रख दिया। अपने लोगों से शिकायत करके इस नुकसान के मुआवजे के लिए केस करूंगी। अगर तुम मेरे ऊपर केस करने के चक्कर में पड़ोगी तो मेरी धोती का नुकसान हो जाएगा। जो होना था हो गया, चोली जो फट गई उसके बदले में एक नहीं दर्जन चोलियां दिला दूंगा। ठीक है? हम दोनों के सिवा किसी तीसरे को इसकी जानकारी ना हो, बस इतना याद रखना। ठीक है? किसी लड़की की तकदीर खुल गई है, वरना तुम जैसे आदमी से थोड़ी मिलता। एक साथ 1 दर्जन ब्लाउज सिलवा के दे रहे हो। चाचा मैं ऐसा हूँ क्या बड़े मियाँ? गरीबों को वस्त्रदान करने का मन किया इसलिए। वस्त्रदान? हाँ। धोती कुर्ता साड़ी वगैरह छोड़कर वस्त्रदान में ब्लाउज बांटने जा रहे हो? काफी तरक्की हुई है, हाईटेक डेवलपमेंट। दान की सामग्री याद नहीं रखनी चाहिए। मैं भूल गया हूँ, तुम भी भूल जाओ। ठीक है? अच्छी बात है। सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं यादव चाचा, फौजियों के लिए भी कम नहीं कर रहे हैं। दर्जन के हिसाब से लेते तो कम हो जाता ना, दर्जन क्यों नहीं लिया? दर्जन? हाँ मैंने कोशिश तो की, फिर भी कम नहीं किया। जिंदगी भी कपड़ों की तरह फटने लगी है। कपड़ों की बात यहाँ क्यों चाचा, चलता हूँ। बाबूजी आपका पार्सल तैयार है, 1 दर्जन इडली का। क्या एक दर्जन चोली? इडली बोल रही हो आप, जैकेट बोल रहे हैं। चमड़े की जबान है, सरासी फिसल गई। चलता हूँ। 6 + 6 12 मतलब पूरे 1 दर्जन। ओफो, धूल की वजह से मुझे दिन में दर्जन बार झाड़ू करना पड़ता है। ये क्या सबने दर्जन की रट लगा रखी है? कहीं बात लीक तो नहीं हो गई है? दारू दारू ही है, बियर बियर ही है। दर्जन बियर से 1/4 दारू ही बेहतर है ना अर्जुन? क्या हुआ तुम्हें? सब लोग आज मुझसे घुमा फिरा के बात कर रहे हो। मन में छुपा कर इंडायरेक्टली कुछ बोलोगे तो सीना फाड़ दूंगा। इसे क्यों छेड़ते हो? वो लड़की मेहमान बन के आई है, बेचारी का ब्लाउज फट गया था तो इसने तरस खा के 1 दर्जन सिलवा दिए है ना बेटा। हाँ, समझ गया। ए चुड़ैल, हाँ। तुझे कितना समझाया, कितने प्यार से समझाया कि किसी तीसरे को जानकारी नहीं होनी चाहिए। मैंने भी सबको यही बोला था कि किसी तीसरे को इसकी जानकारी ना हो। वादा तोड़ना हमारे शाही खून में नहीं है। हाँ। खामोश, अपना बोरिया बिस्तर बांध ले। अब तो एक पल भी यहाँ रही तो सर से पैर तक खैर नहीं। तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें सुनकर यहाँ रहने की जरूरत मुझे नहीं है। मेरे पते की पर्ची मेरे मुंह पे फेंक दे, मैं अब भी यहाँ से चली जाऊंगी। हाँ। गायत्री आजा, खाना खा ले। हमें नहीं खाना। तुम रोड गई हो इसलिए 3 क्वार्टर खाली कर चुका हूँ, अब और पीने की हिम्मत नहीं है। चलो ना गायत्री। जोर मत दीजिए, एड्रेस मिलते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अपने भाई से बोल दीजिएगा। बेटी गायत्री देवी, हाँ। ये कागजात तुम्हारे ही है ना? जब इस चिट्ठी में पता है तो पता खोने के बहाने यहाँ क्यों आई हो? वहाँ जाने से इतनी सारी जायदाद मिलने वाली है, उसे क्यों छोड़ दिया? बोलो। ये क्या बताएगी अम्मी? हाँ? आपके बेटे पे दिल जो आ गया है इसका। अच्छा बेटी, तो ये जायदाद? बोलने के लिए बड़े घर की हूँ पर अपना कोई नहीं, मैं एक अनाथ हूँ। किसी अनजान ने जायदाद लिख दी तो वो मैं क्यों लूँ? आपके बेटे की तुलना में वो तो कुछ भी नहीं। बात तो सही है, ब्रांडी की दुकान घर पे हो तो ठर्रे के पीछे कौन भागेगा। जब देखो शराब की बातें। बेटा अर्जुन अभी आया। माँ क्या हुआ? अगले जुम्मे को ही तुम दोनों की शादी। लड़की मुझे पसंद है। जब तुम्हें पसंद है तो मैं इनकार थोड़ी करूँगा। तो क्या तुझे पसंद नहीं है? गुटुर 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 प्रेम खेल चल मेरी कबूतर खेले। हे सुधर 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 लोग देख लेंगे यहाँ होंगे जमेले। प्यार में खोले दिल मेरा बोले, बाहों में आ होले होले। सब्र तेरा प्यार दिल को बदले, ना माने तो मुझको छोड़े। प्यार की झिमिर झिमिर यहाँ बरसात हो, हर तन्हाइयों में तू मेरे साथ हो। मेरे अंग को छुए वो तेरा हाथ हो, तेरी बाहों में सनम हंसी हर रात हो। बोल 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 दे दोबारा। हे गुटुर 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 प्रेम खेल चल मेरी कबूतर खेले। हे सुधर 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 लोग देख लेंगे। फटाफट आजा सनम मुझे तू लूट ले, लगा के होंठ मुझे सपनों की रानी मुझे मिल जाएगी, कल से तू भी सनम फूल बन जाएगी। गुटुर 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 प्रेम खेल चल मेरी कबूतर खेले। सुधर 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 लोग देख लेंगे यहाँ होंगे झमेले। बात करेंगे यहाँ हे हे हा हा हे हे हा 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 हा। हर दिन आज मेरा दिन तो साजना जीवन भर दिल से तुझे याद करेंगे। अब कुछ ना कहना मेरा साथ देना फुर्सत में बात करेंगे। तेरे संग झूमने को मेरा मन हो गया, तुझे अब झूमने को मेरा मन हो गया। तू भी तैयार हो जा, मैं भी तैयार हूँ, चिंगारी को है अगर मैं भी अंगार हूँ। ये लोग मुझसे बात करने के लिए आए हैं, आप लोग बीच में दखलंदाजी मत कीजिए। अंदर जाके दरवाजा बंद कर लो। तुम्हारी वजह से मेरा पूरा खानदान खत्म हो गया। तुमने हमारी जो बेइज्जती की थी वो सह नहीं सकी और सभी ने खुदकुशी कर ली। उससे क्या बात करते हो, जान के बदले में जान लेंगे। हिंदू या मुस्लिम आज फैसला हो जाएगा। तुम्हारे लोग मर गए उससे दुखी होकर तुम यहाँ आए हो। इसे काम का रंग मत दो, गलत रास्ता अपना के खून की नदियां मत बहाओ। अगर आप समझते हैं कि मैंने गलती की है तो जो करना है करो, मैं चुपचाप सह लूंगा। गलती की है इसलिए सर झुका रहा है, देखते क्या हो। मारो मारो। फातिमा, तुम्हारे मुंह बोले बेटे की वजह से आज इतने सारे लोग मर गए। उसे जब तक तुम अपने घर में रखोगे तब तक तुम्हें कौन से अलग किया जाता है। चलो भाइयों। बेटा 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 अर्जुन बेटा, क्या है ये सब, क्या है? तू आंखें खोलता है तो उनकी बोलती बंद हो जाती है, तो ऐसे लोग पत्थर मार रहे थे तो चुपचाप क्यों खड़ा था? बेकसूर होकर भी इल्जाम अपने सर क्यों लिया बेटा? इस मिट्टी के लिए, सभी धर्म के लोगों को ढोने वाली इस धरती माँ के लिए, उसी के बच्चे धर्म के नशे में अंधे हो गए हैं, तो बिना आंखों वाली माँ क्या देखेगी और क्या करेगी? यहाँ खून की नदी बहने से रोकने के लिए, अगर मेरे खून की चार बूंदें बह भी गई तो इसमें बुराई क्या है? मजहब के नाम पर दंगा फसाद करा के खून का दरिया बहाने के मेरे प्लान को तूने अपने खून से धो दिया। कौम से बाहर कर दिया गया, मजहब चालक कर दिया गया, मस्जिद जाने में रोक लगा दी गई, नमाज के लिए पाबंदी लगा दी गई। तुझे मेरी माँ ने अपना समझा, लेकिन तू इस सर का शैतान बन गया। क्या हुआ आपको? ये आप क्या कह रहे हैं? दारू के नशे में नहीं बोल रहा हूँ, इसकी कार्यकर्तों के नशे में बोल रहा हूँ। नजीर भाई, अर्जुन भाई से आप इस तरह बात कर रहे हैं? चुप हो जाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा। मैं किसी की भी सुनना नहीं चाहता। ये मेरे घर का मसला है, इस घर में ये रहेगा या मैं रहूंगा, अभी फैसला होगा। इसकी नौबत नहीं आएगी, मैं ही चला जाता हूँ। तो फिर कड़ा क्यों है? चला जाओ, निकल बाहर। मुझे कौम नहीं चाहिए, मजहब नहीं चाहिए, बेटा नहीं चाहिए, ये चाहिए। चला जा। इस पर हाथ उठाने वाला तो एक पल और भी यहाँ रहा तो तुझे काट डालूंगी। चला जा, निकल जा, शुरू भी कहीं का दफा हो जा। इंसाफ कहाँ है इस मुल्क में? जिसे हमने खाना खिला के पाला पोसा वही हमें मारना चाहता है तो कौन करेगा हमारी हिफाजत? मेरा कोई नहीं है। जिस मुल्क ने मुझे ठोकरा है उस मुल्क पर हमला कर दूंगा। बाहर निकाल दिया तो पाकिस्तान जाके भीख मांगूंगा। कौन है बेसू? इतने बुत बनाई है, किस बुत ने तुझे अपने बेटे से जुदा होने से रोका? इसमें से कौन बचाएगा? तेरे मुंह बोले बेटे को उसकी मौत से। तुम चाहे किसी से भी पंगा लेना, लेकिन उससे मत लेना। अपने आप को बचा नहीं सकोगे। अच्छा, उसमें इतनी हिम्मत है क्या? दादी माँ, मेरी दादी माँ को कुछ मत करो। तू इसके आगे हाथ क्यों जोड़ती है? इतने देवताओं के होते हुए ये हमारा क्या बिगाड़ लेगा? तू अंदर जा भारती। भारती? मुसलमान होकर भी अपनी पोती का नाम भारती रखा है तूने? बहुत खूब। ए भारती, इसके दिमाग में वतन परस्ती का कीड़ा जो घुस गया है, अगर तू चाहती है कि इसकी गर्दन ना कटे तो तू अपना कपड़ा उतार दे। तेरे जरिए मैं हिंदुस्तान को नंगा करना चाहता हूँ। नहीं मानेगी तो इस बुढ़िया का सर धड़ से अलग कर दूंगा मैं। जो आप कहेंगे मैं करूंगी। मेरी दादी माँ को कुछ मत करो। नहीं बेटी, नहीं नहीं भारती, ऐसा मत करना। उतार उतार। देखो, बेटा। तो भारत माँ के कपड़े नहीं उतार रहा है कमीने? तुझे जन्म देने वाली माँ के उतार रहा है। तुझे पैदा करते समय तेरी माँ ने यहीं दर्द सहा, तुझे यहीं पर जन्म दिया, तुझे यहीं पर दूध पिलाया, तूने यहीं पर चलना सीखा। तुझे जिसने छाती से लगाया उसी की छाती पर पैर रखना चाहता है मर जाएगा। इस धरती का सीना चीरकर बांटोगे तो सर छुपाने के लिए कहाँ जाओगे? हमारी मेहरबानी नहीं तो जियोगे कैसे? हमने अपना गुस्सा दिखाया तो सांस लेने के लिए कहाँ जाओगे? कहाँ से मिला तुझे इतना करूर? तू क्या उखाड़ेगा जब 100 करोड़ एक साथ आएंगे? ऐसे कुछ लुच्चे कमीनों को भड़काकर फूट डालना चाहता है? सच बोल। मुंह नहीं खोला तो इस धरती की कसम टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। बता। बताता हूँ। रुपयों के लिए असलम के बातों में आकर अपने पूरे खानदान को मैंने ही मार दिया। अब्बा जान, अम्मी जान और बहनों के प्यार को भूलकर सबको फांसी पे लटका दी। मारो उस पागल कुत्ते को, मारो। मैं लिख कर देता हूँ, जाकर तुम ले आओ। तूने पी के दी थी ना, वो ठीक नहीं थी। ये क्या बहू, इतनी उदास क्यों हो? कुछ नहीं अम्मी। ये आंसू किस लिए? नजीर नहीं आया इसीलिए ना? चुप हो जा रजिया, उसके ना आने का दुख मुझे नहीं है ये समझती है। खुशी का माहौल है, रोना नहीं चाहिए, इसीलिए अंदर ही अंदर घुट रही हूँ। तुम दोनों के हाथों उसकी शादी होनी चाहिए, यही मेरा सपना था। ये शादी दोनों के हाथों ही होगी माँ। क्या कहा? वो आएगा, वो आएगा माँ। नजीर भाई का घर छोड़ के जाना मेरा किया हुआ ये एक नाटक था। पुरानी बस्ती में जो आतंकवादी गुट है उनका पर्दाफाश करने के लिए भेजा है। हाँ, अनवर ने जो करतूत की थी उसकी जानकारी भी भैया नहीं दी थी। बेटा वो तो एक शराबी है, असलियत का पता चल गया तो। मेरे होते हुए भाई को कुछ नहीं होगा माँ, मैं जान दे दूंगा उनके लिए। अंकल जी। क्या हुआ बेटी? कहाँ है आपका लाडला बेटा? उन्हें रीति रिवाज की जरा भी तमीज नहीं है। बताओ ना क्या हुआ? अपनी होने वाली फैमिली को कभी कभार अपने पास बुला के नाश्ता किया क्या, भोजन किया क्या, साड़ी अच्छी है, कंगन पसंद है, ऐसा पूछ लिया तो उनका क्या घिस जाएगा। वो एक अलग टाइप का है, फौजी है ना। फौजी है तो क्या हुआ, प्रधानमंत्री भी तो अपने जोरू के शौहर ही होते हैं। हाँ। एक बार मांग तो भरने दो, अपने पल्लू की गांठ से बांध के घुमाऊंगी। हाँ। अब बस करो, ज्यादा घुमाओगी तो चक्कर आने लगेगा। हाँ। चाचा जी आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? न्यू दिल्ली एक्सप्रेस में हजारों फौजी आ रहे हैं हमारी शादी में शरीक होने के लिए, उनके लिए सारे इंतजाम भी तो करना है। सब हम देख लेंगे, तुम जाओ ना। कुछ ज्यादा ही उछल रही हो, मैं आ रहा हूँ, अंदर जाओ, तुम्हारी खबर मैं अलग से लूंगा। हाँ? शर्म है तुझो, गर्म है तो फिर आजा, अगर प्यास जो तेरी बढ़ रही तो फिर आजा, तेरी बाहों में कटे रात तो हंसी रात होगी, तेरा साथ जो मिले आज तो शुरुआत होगी। डम 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 के मेरा दिल डम के जैसे डमरू, चल 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 के मेरे दिल चल के जैसे घुंघरू, डम 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 के मेरा दिल डम के जैसे डमरू, चल 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 के मेरे दिल चल के जैसे घुंघरू। अरे कैसी शर्म है तुझो, गर्म है तो फिर आजा, अगर प्यास जो तेरी बढ़ रही तो फिर आजा। तो पिला दे मुझको, आजा पास आजा, अरे थोड़ा बहला दे मुझको, गोरा गोरा बदन अमृत से देख भरा, आके तो चॉकलेट मेरी इस तन का जरा, काली खटासी लगती है जुल्फे बाशा में तेरी दोनों पलके, तू आ जरा अरे मुझको जकड़ ले, बेताब हो अरे कुछ कर दे, डम 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 के मेरा दिल डम के जैसे डमरू, चल 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 के मेरे दिल चल के जैसे घुंघरू, मेरा दिल डम के जैसे डमरू, चल 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 के मेरे दिल चल के जैसे घुंघरू। अरे कैसी शर्म है तुझो, गर्म है तो फिर आजा, हाँ अगर प्यास जो तेरी बढ़ रही तो फिर आजा। कित 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 रे, कित कित रे, ये टट्टा चाहत हम दोनों की एक लगे गोली, तेरी डम 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 के मेरा दिल डम के जैसे डमरू डम 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 के मेरा दिल डम के जैसे डमरू। अरे कैसी शर्म है तू जो गर्म है तो फिर आजा तेरी बाहों में कटे रात तो ऐसी रात होगी। टम 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 के मेरा दिल टम के जैसे डमरू टम टम के मेरा दिल टम के जैसे डमरू। खोई हुई इज्जत को मुझे वापस पाना है तो उसकी लाश को ले जाकर लाहौर के किसी चौराहे पर लटकाना होगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं है क्योंकि वो दूसरों से अलग है। जिन लोगों ने उस पर पत्थर फेंका उन्हीं से जिंदाबाद भी करवाया। उसे पता चल गया था कि मैंने ही अपने खानदान वाल को खत्म किया, तभी ये हुआ। वो कैसे? उसे कैसे पता चला? मैं बताता हूँ, ये उसे नजीर से पता चला। नजीर से? उसका घर से निकलना और आपसे मिलना, यह सब अर्जुन सिंह का कराया हुआ नाटक है। सिर्फ इतना ही नहीं, अब उसकी शादी में दिल्ली से हजारों मिलिट्री वाले आ रहे हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। साथे, मेरे परचम को हिंदुस्तान के सीने में गाड़ने का यही मौका है। एक साथ इस मुल्क के हजारों फौजियों को उन्हीं की सरजमी पर मारेंगे तो हिंदुस्तानियों को शर्म के मारे डूब मरना पड़ेगा। ऐसा ही होगा। ट्रेन बिलासपुर स्टेशन छोड़ते ही इंजन पर कब्जा कर लेंगे। 40 किलोमीटर की दूरी पर मुझे अच्छी तरह मालूम है एक ब्रिज है, उस ब्रिज पर बम रखकर गाड़ी को उड़ा देंगे। मुझे बीच सड़क पर लाने वाले उस अर्जुन सिंह और उसका साथ देने वाले तमाम लोगों को काट के रख दूंगा मैं। अरे साले, हमारे साथ रहकर एक साथ खा पी कर मेरा दिल जीत लिया था तूने। आज तेरी वजह से मुझे सड़क का कुत्ता बनना पड़ा। तुझे तो मैं भाई ना आई, इससे सबसे ज्यादा नुकसान मेरा हुआ है। इसे मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, दगाबाजी की सजा क्या होती है मैं दिखाता हूँ इसे। चलो चल बे। जब मैंने अपने वालिदैन को नहीं बख्शा तो तू क्या चीज है? एक साथ इस मुल्क के हजारों फौजियों को उन्हीं की सरजमी पर मारेंगे तो हिंदुस्तानियों को शर्म के मारे डूब मरना पड़ेगा। वंदे मातरम, जय भारत। तुझे किसी के नजर ना लगे, तेरी शादी देखने की मेरी तमन्ना आज पूरी होने वाली है। हेलो भाई अर्जुन, तुम्हारी शादी में शरीक होने आ रहे फौजियों को मारने के लिए ब्रिज पर बम लगा कर उड़ाने का प्लान किया है असलम खान ने। तुम फौरन जाके उन लोगों को बचा लो। टाइम नहीं देखा, धमाल बहुत हो गया, आप जाके सो जाओ। तुम लोग क्या कर रहे हो? अलग से बोलना पड़ेगा। सॉरी बॉयज, लाइट्स ऑफ करके सो जाओ। तुम लोग पीछे के दरवाजे के बाहर निकल जाना। जाओ। मैं भी क्षत्रिय वंश की जन्मी लड़की हूँ। तुम कुत्तों को मार कर ही मैं दम लूंगी। आओ, आओ। ये गाड़ी कहीं नहीं रुकेगी, चलाते रहो। दीजिए। हमारे कहा नहीं मारेगा। ब्रेक टूट गई, अब गाड़ी नहीं रुकेगी। यही तो हम चाहते हैं। कौन बच्चा है कौन बूढ़ा है देखे बिना उस असलम खान ने सबको पल भर में खत्म कर दिया। बिखरी पड़ी लाशों से, मातम की चीखों से वो शादी का मंडप शमशान में बदल गया। मियाँ ने वो सारा इल्जाम नसीर पर थोप दिया। आइए साहब, आइए, यही है, इसे पकड़ लीजिए। इतने सारे लोगों की मौत का जिम्मेदार यही है। बहुत बड़ा टेररिस्ट है ये। ए बड़े मियाँ, आतंकवादियों के साथ मिलकर उसी ने सबको मरवाया कहकर उसे फांसी की सजा दिलवा दी। नसीर के साथ नाइंसाफी हुई है। नसीर भाई किस जेल में? कल जेल में हुई किसी हाथापाई की वजह से वो फिलहाल हॉस्पिटल में है। तेरी आंखों में आंसू, हाथ कट गए इसलिए? अपने फौजियों की जान बचाने के बदले में यह छोटा सा नुकसान कुछ भी नहीं मेरे भाई। सर, सेंट्रल होम मिनिस्ट्री से फोन आया था, नजीर की फांसी माफ कर दी गई है। अर्जुन, तो फरिश्ता बनके सही वक्त पे आ गया। मैं ही बदनसीब थी जो तुझे गलत समझ में। ऐसा मत कहो माँ, भैया को छुड़ाना मेरी जिम्मेदारी थी। जिम्मेदारी एक और भी है बेटा। कर्ज न चुकाने के कारण हमारे बच्चों के साथ दूसरों के बच्चों को भी उस साठे के आदमी जबरदस्ती उठा ले गए बेटा। उनका क्या किया, कहाँ ले गया, कोई नहीं जानता। उन सबको छुड़ा कर उनके माँ बाप के आंसू तुझे पोंछना होगा बेटा। ऐसा ही होगा माँ। उन्हें कहाँ भेजा गया है मैं जानता हूँ। अब उन्हें छुड़ाना भी मेरा ही काम है। डॉक्टर साहब, किसी तरह मेरी बच्ची को बचा लीजिए। अपने डैडी की याद में इसकी ये हालत हो गई है। जल्द से जल्द उन्हें लाना ही बेहतर होगा मैडम, वरना मुश्किल है। डॉक्टर साहब सुनिए, बच्ची से आगे मिले ना। किसकी बच्ची? मेरी बच्ची पिता के बिना बीमार पड़ गई बेचारी। पानी तक नहीं पिया उसने, दवाई लेने से भी इनकार कर रही है। तो उसे मैं कैसे बचा सकता हूँ? आपको देख के अपना पिता समझ रही है। आप थोड़ी देर उसके सामने पिता का नाटक करेंगे तो मेरी बच्ची बच जाएगी। बेटी, बेटी, मैं हूँ बेटी, तुम्हारा पापा। पापा आप आ गए, अब मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगे ना? नहीं बेटी, नहीं जाऊँगा। माँ को देखो तुम्हारे लिए कैसे आंसू बहा रही है। आप हमें भूल गए ऐसा मम्मी कह रही थी क्या? ये सच्चे पापा? माँ तो ऐसे झूठ बोल रही थी। तू मेरी लाडली बेटी है ना, मैं तुझे कभी भूल सकता हूँ क्या? ये टैबलेट लेके दूध पी लो बेटी। गुड पापा, मैं आपकी गोदी में सोऊंगी पापा। गोदी में क्यों बेटी, मेरे सीने पे सरक के सो जाओ, उसमें तुम ही तो हो बेटी। वक्त पे आकर अपनी बेटी को बचा लिया है आपने। मेरी बेटी नहीं डॉक्टर साहब, ये मुझे अपना पापा समझती है। मैंने इसे बचाने के लिए चलता हूं। मैंने सभी जगह इंक्वायरी कर ली सर। उस साठे ने जिन बच्चों का अगवा किया था वो सारे बच्चे पाकिस्तान पहुंच गए। एक बार सेंट्रल डिफेंस सेक्रेटरी को फोन करो। हेलो, अर्जुन सिंह राठौर, मैं हूँ असलम खान। तेरा फोन नंबर मुझे कैसे मिला ताजुब हो रहा है। मेरी खुफिया एजेंसी के सामने तुम लोगों का कम्युनिकेशन सिस्टम बेकार है। तो पाकिस्तान आने वाला है, बेमौत मरेगा। अपनी बीवी और बच्ची को बचाने के लिए तुझे आना ही होगा। असलम, मेरे बीवी बच्चे ही क्यों, आतंकवादी बनाने के लिए तू जितने बच्चों को ले गया उन सबको बचाना मेरा फर्ज है। उनके माँ बाप के आंसू पोंछकर इस देश की शान को बचाना मेरी जिम्मेदारी है। आऊंगा और तेरे ही मुल्क में तुझे मार के उन सबको यहाँ लाऊंगा। उन हिंदुस्तानियों को घसीट कर लाओ। कर सलीम, भूख भूख ये कमबख्त भूख आदमी से कुछ भी कराती है। तुम सब लोग वतन परस्ती के नाम से यहां भूखे मरोगे या फिर जिहादी बनकर दुश्मनों को मारोगे। फैसला कर लो। तुम सबको यहां से ले जाके अपने मुल्क की इज्जत को बरकरार रखने के लिए यहां आ रहा अर्जुन सिंह राठौर। उसे एहसास हो जाना चाहिए कि तुम सब मेरे बंदे हो। वो देखो तुम्हारे मुल्क का परचम, उसे गोलियों से इस कदर छलनी कर दो ताकि अर्जुन का सर शर्म से झुक जाए। परचम यहाँ ले आओ। सुनो साठे, कुचल डालो इसे। इन नादान बच्चों के खोखले सर से वतन परस्ती के नशा उतरने तक इसे कुचल डालो। Two down. Glider 3 down. ओके सर। जय भारत, जय भारत, जय भारत। अरे वाह, तू साबित कर रही है कि तू फौजी की बेटी है। छटाक भर की भी नहीं, वतन परस्ती का इतना नशा चढ़ गया तेरे सर पे, अभी दिखाता हूँ। उसकी आंखों के सामने उसके परचम को रौंद दो। बहुत हिम्मत है रे तुझ में, मेरी बेइज्जती करके मेरे मुल्क में मेरे सर को नीचा कराया तूने। तेरे सर को काट के मैं अपने आवाम के सामने रख दूंगा, अपनी खोई हुई इज्जत को वापस पालूंगा, इसलिए तुझे बुलाया। ये मेरा मुल्क है, यहाँ तेरा खेल नहीं चलेगा। चुप! अपने अंदर की हिम्मत के अलावा मैंने कभी किसी और ताकत पर भरोसा नहीं किया है। मेरी हिम्मत ही मेरी ताकत है। वैसे भी यहाँ ताकत कहलाने के लिए है क्या? हर गली में 10 बदमाश, और जब वो बदमाश मिलते हैं तो एक उग्रवादी गुट। ऐसे अलग अलग गुट के सिवाय एक ही ताकत कहलाना जैसा कुछ है यहाँ? लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, अलकायदा, कलकायदा, सब मिलकर भी कितने होंगे? काटना शुरू करूंगा तो आधा घंटा, आधे घंटे से 1 मिनट भी ज्यादा ये जंग नहीं चलेगी। तुझ जैसे हजारों आतंकवादियों के खात्मे के लिए मुंह चाटने वाले एक ही फौजी की हिम्मत काफी है। तो सिर्फ यही जानता है यहाँ हमारे लीडर हम जिहादियों की मंजूरी से जिंदा रहते हैं, हमारे टुकड़ों पर पलते हैं और हमारे इशारों पर नाचते हैं। अबे चुप कर कमीने, वही लीडर हमारा देश से हाथ मिलाकर शांति की भीख मांग रहे हैं। तुम्हारा देश के लोग हमारे प्यार का इंतजार कर रहे हैं। तुझ जैसे पागल कुत्ते की भौंक अब कोई नहीं सुनेगा, यही सोचकर उस प्यार का गला घोटना चाहते हो तुम लोग। लेकिन इतना आसान नहीं है, जहां भी तुम्हारे आओगे वहां मैं रहूंगा, काट डालूंगा। आर्मी हूं, इंडियन आर्मी। रास्ता रोकोगे तो कुचल दिए जाओगे। ख्वाब मत देख अर्जुन सिंह, दोनों मुल्क अगर दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो उसे काटने के लिए मेरा जिहाद है। अगर अमन की बात करने लगोगे तो उसे तोड़ने के लिए यहाँ हजारों जिहादी तैयार बैठे हुए हैं, और उन्हें तोड़ने की ताकत नहीं है तुझमें। काफी है, इस मुक्के की पावर काफी है। प्यार करने वालों का आदर करने वाले इस हाथ में जोश आया तो हथेली में लकीरें दिखाई नहीं देंगी, हाथ तलवार बन जाएगा, जिससे सिर तो कटेगा ही, तकदीर भी मिट जाएगी। आसमान को चीर कर बारिश जो करे, और हवाओं को फूंक कर आतिश जो करे, पहले सागर को यहाँ तूफा ये करे, पाप की नगरी को भी जूना ये करे। संहार करने के चक्कर में आया है ये, बारूद का ढेर लाद कर लाया है ये। उग्र नरसिम्हा स्वामी प्रकट होने लगे, उग्रवादी अपनी ताकत खोने लगे। जैसे के सूर्य का गोला, नजरों से हरदम बरसता है शोला, खंजर की तरह बड़ी तेज उंगली, लकड़ी कभी है ये त्रिशूल उंगली। कदमों की आहट से संसार लरजता, भगत सिंह की तरह गरजता। सौ मुट्ठियों की तेरी एक मुट्ठी, सौ मुट्ठियों की तेरी एक मुट्ठी, इससे सुरक्षित है धरती की मिट्टी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारतवासियों के दिल में भारत दिखेगा और आवाज आएगी वंदे मातरम के गीत सुनाई देगा। अंग्रेज के दिल में भाला तुम ही हो, वीरों के वीर भगत सिंह तुम ही हो। तेरा खून हिंद सागर में उबले, सांसों से तू अपनी तूफान उगले। जख्मी शेरों की तरह झपटता, तू नाग की तरह दुश्मन को डसता। अब तो बुराई का ही अंत होगा, जो करता है हिंसा वो भस्म होगा। आजाद हिंद के तू सुभाष बनके, सुवीर सुधीर हाथ में तलवार है। और धनुष भी है तू, रक्त का ओम तू, ओम का अर्थ तू है धर्म चक्र तू, चक्र व्यू भी है तू, शक्ति भी तू है तू। जय प्राप्त करके तू रण भास्कर बन के, तू जन आकरा बन के, तू बल की औजार बन के महिमा दिखला दे तू। जल्दी करो, जल्दी 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 निकलो। अंदर आइए, आगे खतरा है। हमारे हर कदम पर खतरा तो बना ही रहता है। तो ये क्या है, तुम टेक ऑफ कराओ। सर ये कैसे हो सकता है? इट्स एन ऑर्डर। ओके सर। अबे असलम खान, ये हाथ नहीं फांसी का फंदा है। कमीने, आतंकवाद को मिटाने वाले करोड़ों हिंदुस्तानियों के हाथ की ताकत है ये। आज सुबह तेरे शहर वाले जब नींद से जागेंगे तो वो मुर्गे की मांग से नहीं, तेरी चीख से जागेंगे। चीख, जोर से चीख। तेरी चीख के साथ ही आतंकवाद की धड़कन रुक जानी चाहिए। आतंकवाद का नामो निशान मिट जाना चाहिए। तेरी लाश देखकर दूसरे आतंकवादी गुटों का जोश ठंडा हो जाना चाहिए। जा कुत्ते की मौत पर जा। स्वागत है। आज देश भर में एक ही व्यक्ति की चर्चा है, कर्नल अर्जुन सिंह राठौड़ की। भारत से जिन 50 से भी अधिक नौजवानों को उग्रवादी बनाने के लिए पाकिस्तान ले जाया गया था, उन्हें कर्नल राठौड़ न सिर्फ बचा के वापस ले आए बल्कि आतंकवादी ठिकाने के साथ साथ असलम खान को भी मार डाला। द पावर ऑफ इंडियन आर्मी के नाम से मशहूर कर्नल राठौड़ को प्रमोशन के साथ साथ महावीर चक्र से भी सम्मानित करने का भारत सरकार ने निर्णय लिया है। क्यों जी, सर पे ज्यादा चोट तो नहीं लगी? ऐसा कुछ नहीं, लेकिन जिसने भी मारा अच्छा ही किया। एक ही मार से सर चकराया और सब कुछ याद आ गया। ये सब तुम कैसे जानती हो? आपकी तरह नाटक करना मैं नहीं जानती। नाटक? जी हाँ, मैं जानती हूँ आप हमें पूरी तरह भूल चुके हैं, लेकिन हमारी खातिर याददाश्त लौट आने का आप नाटक कर रहे हैं। हम आपकी जिंदगी में हवा का झोंका बनकर आए और चले गए, लेकिन यह आपके दिल में हमेशा बसने वाली प्रेमिका है। आपके लिए अपनी जान उछावर करने वाली देवी, उसे भूल जाना न्याय नहीं। ये फूल रखिए। मेरे लिए एक ने अपनी जान की कुर्बानी दी, दूसरी खुशियों की कुर्बानी देना चाहती है। मेरी जिम्मेदारियों को समझकर चलने वाली पत्नी का मिलना, ये मेरे लिए ऊपर वाले का वरदान है। कार्येषु दासी कर्णेषु मंत्री भोजेषु माता शयनेषु रंभा रूपेषु लक्ष्मी छम्याच धरित्री कहते हैं ना। ये सारे गुण मिला के बनाया हुआ रूप है नारी। नारी के बगैर त्याग नहीं, विजय नहीं, यश नहीं। भारतीय संस्कृति में जितनी इज्जत नारी को दी जाती है उतनी और कहीं नहीं। इसीलिए पृथ्वी को भी भूमाता कहकर जननी के रूप में माँ समान पूजा जाता है। अपने हाथ में भूमि माँ के सारे गुण पिरोकर हर तरह से मेरा साथ देने वाली तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में पाकर मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया।